सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कहा गया है और इसीलिए भारत में ही नहीं बल्कि संसार के हर एक कोने में हिंदू देवी देवताओं का पूजन बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था तब उस समय वहां पर 428 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर बिगड़ते हालात के चलते केवल 20 मंदिर ही बचे हुए हैं और इन 20 मंदिरों को भी वहां की सरकार द्वारा सही से सजो कर नहीं रखा गया है और ऐसा लगता है कि कुछ ही सालों बाद इन 20 मंदिरों का भी नामोनिशान मिट जाएगा। तो आज हम इन्हीं 20 मंदिरों में से 5 ऐसे अद्भुत मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है और अगर इस समय ये मंदिर भारत में होते तो उनमें आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती। तो पहला मंदिर है पाकिस्तान के कराची में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1500 साल पुराना है और इस मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है उसे किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है और यहाँ तक कहा जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा स्थापित किया गया है। बंटवारे से पहले इसे एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर माना जाता था और यहाँ हर दिन भक्तों का मेला लगा रहता था, लेकिन बंटवारे के बाद से ही यहाँ भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। यहाँ पर रहे हिंदुओं की मान्यता है कि इस मंदिर के 108 चक्कर लगाने से भक्त की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। भारतीय गवर्नमेंट के दबाव के कारण वर्ष 2012 में इस मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हुआ जिससे ये मंदिर अभी सही हालत में पहुंच पाया है। तो दूसरा मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपार जिले में स्थित गौरी मंदिर। पाकिस्तान के इस जिले में हिंदू बहुसंख्यक हैं और इनमें अधिकतर आदिवासी लोग हैं। पाकिस्तान के इन हिंदुओं को थाड़ी हिंदू कहा जाता है। ये मंदिर वैसे तो जैन मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन कट्टरपंथी विचारधारा के कारण वर्ष 2012 में इस मंदिर में रखे कई सारे चीजों को जला दिया गया और माता गौरी की मूर्ति भी चोरी हो गई। इस मंदिर की सही से देखरेख ना होने के कारण अभी ये मंदिर खंडर में तब्दील हो जाने के कगार में है। तो तीसरा मंदिर बलूचिस्तान के लियारी जिले के हिलोंग नदी के किनारे स्थित हिंगलाज देवी का मंदिर। इस मंदिर की गिनती देवी की 51 शक्ति पीठों में की जाती है। कहा जाता है कि माँ सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी होकर तांडव करना शुरू कर दिए थे और तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 भागों में काट दिया और माँ सती का सर इसी जगह पर गिरा था और तभी से इस जगह पर एक छोटे आकार की शिला को हिंगलाज माता की प्रतिरूप के रूप में पूजा की जाती है। वैसे तो ये मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा से बना हुआ है, लेकिन दुर्गम पहाड़ियों के बीच इस मंदिर का सही से देखरेख ना होने के कारण पहले के मुताबिक भक्तों की संख्या में काफी कमी देखी गई है। तो चौथा मंदिर पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद गोरखनाथ मंदिर। लगभग 160 साल पुराना ये मंदिर बंटवारे के बाद से ही बंद पड़ा हुआ था। पेशावर हाईकोर्ट के आदेश पर 6 दशकों बाद नवंबर 2011 को इसे दोबारा खोला गया। ये मंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहा गया है और ये मंदिर हिंदू धर्म संस्कृति का प्रतीक के रूप में पाकिस्तान में आज भी अपनी जगह पर स्थित है। तो पांचवा मंदिर पाकिस्तान के लाहौर से 270 किलोमीटर की दूरी पर चकवाल जिले में स्थित कटाशराज शिव जी का मंदिर। इस मंदिर में कई सौ साल पुराना शिवलिंग मौजूद है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ही इस शिवलिंग को स्थापित किए थे और इस मंदिर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर के पास एक सरोवर भी मौजूद है। मान्यता है कि माता सती के वियोग में भगवान शिव के आंखों से दो बूंद आंसू गिरे थे जो कि दो सरोवर में तब्दील हो गए। एक सरोवर तो भारत के पुष्कर में है और दूसरा इस कटाशराज मंदिर के किनारे। इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के समय यहीं पर आए थे। महाभारत में इस जगह को देवत वन कहा गया है और ऐसा भी माना जाता है कि यहीं पर धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने चारों भाइयों के प्राण बचाए थे। इस मंदिर की भी सही से देखरेख ना होने के कारण कुछ समय पूर्व यहां भगवान श्री राम की मूर्तियां भी चोरी हो गई थी जिस पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। ये पांचों मंदिर पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हम नहीं जानते कब तक इन मंदिरों का अस्तित्व रहेगा या कब इन्हें खंडर में बदल दिया जाएगा, लेकिन ये प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि विश्व के अनेक जगहों पर प्राचीन भारत के आर्य संस्कृति के सबूत आज भी मौजूद हैं।
अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। पाकिस्तान में मौजूद इन अद्भुत मंदिरों के बारे में हर एक भारतीयों को मालूम होनी चाहिए। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ। बाय।